एवरीवन, पहले हम चार वीडियो देख चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये पांच नंबर है जहाँ पर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में और होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, आप लोग सब जानते होंगे एल्केन CH3, CH2, CH3, ये हो गया प्रोपेन स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और एक H की जगह और एक ग्रुप लग गया, उसे बोलते हैं OH ग्रुप लगा। ये वाला प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन का अल्कोहल है प्रोपानॉल, ठीक है। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाएगा, जो भी इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि सॉल्युबिलिटी वाटर में हो या एसिड में रिएक्शन करेगा या नहीं, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड, ये दोनों क्या सेम होगा क्या? नहीं होगा, डिफरेंट दिखाएगा। किस लिए डिफरेंट दिखाएगा? क्योंकि ये जो ग्रुप OH ग्रुप इस स्ट्रक्चर में ऐड है, इस प्रोपेनॉल में जो OH ग्रुप है, ये हमारा सॉल्युबिलिटी कुछ भी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाएगा। इसीलिए ये वाला ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, तो OH का मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम है। और एटम अगर ये भी हो सकता है CH3, CH2, CH2Cl, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिर्फ क्या है, ये एक एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, वो एक एटम होगा और एक ग्रुप ऑफ एटम होगा जो मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाएगा, अच्छी तरह से समझा पाएगा। ये जैसे प्रोपेन कुछ कैरेक्टर्स नहीं दिखा पा रहा था, जब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आया तो वो थोड़ा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया। जब फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन आया प्रोपेन में, ये फिर हमें थोड़ा अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज दिखाया। समझ में आया? बहुत प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। आगे में हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एक एक करके मैं तुमको बताऊंगी। तो एग्जांपल समझ में आया, OH हो गया फंक्शनल ग्रुप और एक हो गया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, उसी तरह के बहुत प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे होमोलोगस सीरीज। ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन, हमें इसे जानने से हम नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से जान पाएंगे। होमोलोगस, आप लोग सब होमोलोगस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज, जैसे कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे इवेंट और बार बार, दो, चार, छः, एक सीक्वेंस के बाद हम कुछ नंबर को पाते हैं, उसे हम सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर होमोलोगस सीरीज में क्या होता है ना, देखो, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कुछ कंपाउंड में, जबकि वो कैरेक्टरिस्ट एक, दो, तीन, जहां पर भी देखेंगे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएगा, उसी सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। कुछ पॉइंट के ऊपर नजर देते हैं। पहला पॉइंट, सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप देख चुके हैं, तो कौन सा सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे, जहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पहला वाला पॉइंट। सेकेंड में, जहां पर जनरल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि अगर जनरल फॉर्मूला सेम होगा तो वो हमें सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। जैसे कि अगर मैं प्रोपेन भी हूँ, अगर हम प्रोपेन के बारे में स्ट्रक्चर लिए हैं, एल्केन के बारे में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो वहां पर जनरल फॉर्मूला सेम होगा तो वो हमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। अगर अल्कोहल लिए, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, तो वो भी हमें जनरल फॉर्मूला सेम है, वो भी हमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड नंबर पॉइंट क्या होता है, अगर दो कंजिक्यूटिव मेंबर, हम जो सीरीज ऑफ कंपाउंड लिख रहे हैं, टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ व्हिच डिफर बाय CH2 ग्रुप, अगर दो मेंबर कंजिक्यूटिव मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंट आना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 ग्रुप आएगा, तभी उसी सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज।
मैं एग्जांपल कर तुम लोगों को दिखाती हूँ, तुम लोग देखो। ये रहा हमारा मिथानॉल, ये रहा इथानॉल, ये रहा प्रोपानॉल। आप लोग बोल सकते हो ये होगा हमारा होमोलोगस सीरीज या नहीं। देखो पहला रूल हमारा क्या था, सेम फंक्शनल ग्रुप OH, 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 सेम फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा अल्केन का क्या है, CnH2n+2। तो हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो क्या होगा, +1 OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आता है। ये जो जनरल फॉर्मूला है तीनों लोगों के लिए सेम। यहाँ पर आप C1 डालोगे, N की जगह 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, C1H3। यहाँ पर अगर 2 डालोगे तो 2 2 4 1 5 C2H5। वैसे C3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 +1 7। देखो 3 2 5 2 7, ठीक है। इसका मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला। लास्ट वाला पॉइंट देखो, कंजिक्यूटिव मेंबर का मतलब आप जब कंपैरिजन करोगे इन दोनों के बीच करोगे, नहीं तो इन दोनों के बीच, ना कि इसका और इसका कंपैरिजन करोगे। इन दोनों के बीच आप लोग डिफरेंस क्या है देखो, ये CH3OH, ये CH3CH2OH, कितना डिफरेंट आया, डिफर बाय CH2। इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखो CH3CH2, यहाँ पर CH3CH2CH2, क्या डिफर आया इन दोनों के बीच, CH2। तो अभी हम इन तीनों को होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आता है, राइट द 5 कंजिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो 5 बोला है ना, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल के जगह लिखोगे। ऐसे नहीं लिखोगे मिथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, साथ साथ, जबकि उनका डिफरेंट CH2 आएगा। अगर तुम्हें पूछेगा एसिड का लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का 5 कंजिक्यूटिव मेंबर, तो आप क्या लिखोगे, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। समझ में आया अच्छी तरह से होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। यूपैक नोमेनक्लेचर, यूपैक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे हमें यूपैक का जरूरत क्यों आया, क्योंकि कॉमन नेम जनरल है, इतना कार्बन का इतना सारा कंपाउंड है, कार्बन का मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या हुआ ना, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सोचकर कुछ रूल्स बताए, जिसके कारण से हम जो भी कंपाउंड आएगा हमारे सामने हम उसका नाम, उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं यूपैक नेम, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जैसे कि एसिड में फॉर्मिक एसिड बताए, जैसे कि रेड आर्ट से निकलता है उसमें फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, वो तो कॉमन नेम है, ठीक है। उसका यूपैक नेम मिथानोइक एसिड है, तो कुछ रूल्स को देखकर हम बोलेंगे, उसी को बोलते हैं यूपैक नेम, ठीक है। UPAC stands for International Union for Pure and Applied Chemistry. अभी हम देखेंगे कैसे नाम होता है। Simple monofunctional organic compound सबसे starting वाला है nomenclature का। Simple कैसे, जब छोटा छोटा functional group आएगा, छोटा छोटा compound आएगा, उसका नाम कैसे करेंगे, UPAC name, ठीक है। UPAC name तीन प्रकार का होता है, उसे हम divide किए हैं 3 types के, ठीक है। एक होता है word root, suffix और prefix। वर्ड रूट के बारे में तो आप सबको पता होगा, जैसे कि स्टार्टिंग वाला जिसे बोलेंगे, और सफिक्स जो नाम के बाद आएगा, प्रीफिक्स नाम से पहले। एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे तुम लोगों का नाम लिखा जाता है कुमार कुछ लेकर, तो तुम्हारा जो मेन नाम होता है उसे बोलेंगे वर्ड रूट। सफिक्स किसे बोलेंगे, जो टाइटल नाम के बाद में जो, जैसे प्रधान साहू लिखा होता है, टाइटल के नाम जो टाइटल लिखा होता है नाम के बाद, उसे हम बोलेंगे सफिक्स। प्रीफिक्स नाम से पहले, जैसे कुमार कुमारी लिखा होता है उसे बोलेंगे प्रीफिक्स, उसी तरह के नोमेनक्लेचर का नाम है, ठीक है। तो पहले बारे में हम क्या, किसके बारे में बताएंगे, वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट हमेशा हमें एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कार्बन चेन के बारे में बताता है।
ऐसे बहुत सारा आप लोग देख सकते हो, ऐसे ऐसे कार्बन चेन, बहुत सारा कार्बन चेन होगा। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें देखना है जहां जो कार्बन चेन एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ होगा और वो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल होगा। जैसा आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर देखूंगी 1 2 3 4 5, तो कौन सा वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आया? ये 6 वाला, और कंटिन्यूअस है, इसका मतलब बीच में कहां पर ब्रेक भी नहीं हुआ है, उसे कहते हैं वर्ड रूट। समझ में आया क्या हुआ? डिनोट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। एक सबसे पॉसिबल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा जो एक फंक्शनल ग्रुप को अपने पास रखा होगा, उससे हम बोलेंगे वर्ड रूट। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आएगा जिसे तुम्हें याद रखना होगा। अगर एक कार्बन रहा तो उसे हम बोलेंगे मिथ, ये वाला तुम लोगों को याद रखना होगा। अगर कार्बन 2 आया तो उसे बोलेंगे इथ, कार्बन 3 आया तो उसे बोलेंगे प्रोप, कार्बन 4 आया, अगर 4 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन आया तो उसे बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन आया तो उसे बोलेंगे हेक्स, अगर 7 कार्बन आया तो उसे बोलेंगे हेप्ट, अगर 8 कार्बन आया उसे बोलेंगे ऑक्ट, अगर 9 कार्बन आए तो उसे बोलेंगे नॉन, अगर 10 कार्बन आए तो उसे बोलेंगे डेक। इसे बारे में आपको वर्ड रूट में सिंपली इतनी चीजें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन होगा कार्बन एटम का, उसी के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और अगर 1 2 3 10 जितना कार्बन आएगा ये सिर्फ नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। सफिक्स को हम डिवाइड किए हैं 2 टाइप्स, ठीक है? एक होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है? प्राइमरी सफिक्स गिव्स नेचर ऑफ कार्बन चेन। जैसे वर्ड रूट हमें बताएगा कितना कार्बन है, और प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा हमारे कार्बन कार्बन के अंदर में किस तरह का बॉन्ड है। जैसे 2 तरह का, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। अगर सैचुरेटेड होगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं, और हमारा नाम क्या आएगा? AnE। ये वाला थोड़ा थोड़ा चीज को याद रखना, AnE आएगा तो हमारा नाम आ जाएगा अल्के। आप लोग देखो ALK अल्क, ये होता है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स होता है AnE। अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो आ जाएगा ENE अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 3 बॉन्ड आ जाएगा तो YNE अल्काइन। तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स हमें बोटा बताएगा कार्बन चेन के नेचर के बारे में, कार्बन कार्बन के अंदर में किस तरह का बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब चलेंगे दूसरी तरफ, सफिक्स का दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहने से नाम कैसा आएगा, उसी के बारे में हमें बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। मैं कुछ सेकेंडरी सफिक्स के एग्जांपल दी हूँ, आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से। अल्कोहल, अगर अल्कोहल होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप है OH, ये वाला सब फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमारा नाम क्या आ जाएगा? OL लिखा जाएगा। उसी तरह सेकेंड, अगर एल्डिहाइड्स होगा क्लास ऑफ कंपाउंड तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, नाम में चेंजेस आएगा AL। अगर 3 नंबर में आएगा हमारा कीटोन्स तो उसके नाम में चेंज आएगा C11O, लिखा होगा ONE। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो COOH, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, नाम में आएगा क्या चेंज है, सफिक्स लास्ट में हम लिखेंगे ओइक एसिड। अगर इस्टर होगा COOR तो लास्ट में होगा अल्काइल अल्कानोइड। अगर अमाइड होगा CONH2, लास्ट में अमाइड। अगर एसिड क्लोराइड होगा COCl फंक्शनल ग्रुप तो नाम होगा ओइल क्लोराइड।
अगर नाइट्राइल्स होगा सीएन तो नाम में नो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिंपली नाइट्राइल। अगर अमीन्स होगा NH2 तो अमीन, थायोल SH थायोल। तो आप सबको याद रखना ये वाला सब फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हमारा लास्ट पे क्या क्या नाम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल वाला स्ट्रक्चर ली हूँ, आप लोग देखो यहाँ पर हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये तीनों चीजों को मैं यूज कर कर एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप लोग देख सकते हो एक कार्बन दो, यहाँ पर कंटिन्यूस कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यूस पॉसिबल चेन कार्बन कितना है, तीन। तीन तो वर्ड रूट में आप लोग देख सकते हैं हम क्या पढ़े थे, अगर कार्बन तीन आएगा तो हमारे पास नाम आ जाएगा प्रो, ये हो गया हमारा वर्ड रूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हमें कार्बन कार्बन के अंदर में क्या कैसा बॉन्ड है, आप लोग देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम आ जाएगा, एनी, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया हमारा वर्ड रूट। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, तो सेकेंडरी सफिक्स में नाम क्या आएगा, OL, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ये हुआ वर्ड रूट, ये हुआ हमारा प्राइमरी सफिक्स, ये हुआ हमारा सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप वावेल से शुरू होगा तो यहाँ पर ई को रिप्लेस किया जाएगा, अगर कंसोनेंट होगा तो यहाँ पर ई लिखा जाएगा। आप सबको याद हुआ, जैसे ओ हमारा वावेल है ए ई आई ओ ई, अगर इसी से शुरू होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर ई को हम रिप्लेस करेंगे। और एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कार्बन 1 2 3 4 कंटिन्यूस पॉसिबल चेन, तो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड आ गया, प्राइमरी सफिक्स कहाँ होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल यूज करेंगे, कहाँ पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर 2 डबल बॉन्ड हो गया ENE, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे ENE, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। CN हमारा फंक्शनल ग्रुप है, CN के लिए नाम क्या आता है, नाइट्राइल, तो लिखेंगे कितने में नाइट्राइल आया, कार्बन नंबर 1 में, ये लिखेंगे ट्रिब्यूट टू इन, ठीक है, नाइट्राइल लिखने से चलेगा 1 नहीं चलेगा, अगर लिखेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा, हो गया। आप लोग अभी देखो यहाँ पर मैंने ई को रिप्लेस किया नहीं, क्योंकि ये लेटर एन से शुरू होता है तो यहाँ पर ई रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को फिर डिवाइड किया गया दो तरह के, प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट के पहले लगेगा, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम असाइक्लिक कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा भी एग्जाम्पल नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे कि ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक को डिफरेंट करने के लिए, जैसे आप लोग देख सकते हो साइक्लो पेंटेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो साइक्लो होता है ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लो हो गया हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, पेंट हो गया वर्ड रूट, एएनई हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, तो ये तीनों चीजों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स आया, ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, पेंट होता है वर्ड रूट, एएनई होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब हुआ उसका यूज, अब नेक्स्ट चलेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जो कि इमीडिएटली वर्ड रूट के पहले आता है और ये हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम।
अगर समझो हमारे पास दो होगा, एक दो दो ग्रुप लगा होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्लोरीन और ब्रोमीन। नाम आएगा क्लोरो ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमारा पहला कौन आएगा? बी। तो हम पहले ब्रोमो को नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्लोरो का नाम लिखेंगे। समझ में आया? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के जो ग्रुप होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं, और वो हमेशा बॉन्ड रूट के पहले ही लिखा होता है, इमीडिएटली अटेन इमीडिएटली बिफोर द बॉन्ड रूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यही बताता है हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, और साइड चेन के बारे में बताता है। अगर सिंपली R ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा तो हम बोलेंगे अल्काइल। जैसे देखो, अगर F होगा तो फ्लोरो नाम आएगा, Cl होगा तो क्लोरो नाम आएगा, ब्रोमीन Br होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयडो, NO2 ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ तो नाइट्रो लगेगा, OR हुआ तो अल्कोक्सी। देखो R का मतलब अल्केन ग्रुप, जैसे OCH3 एक कार्बन वाला ग्रुप है तो मिथॉक्सी। अगर दो कार्बन वाला ग्रुप होगा इथाइल ग्रुप तो इथॉक्सी प्रोपोक्सी उसी तरह का नाम होगा। सिंपली आर होगा तो अल्काइल, सी एच थ्री मिथाइल, सी टू एच फाइव इथाइल। ये सारा हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, और वो वॉन्ड रूट के पहले लगता है। अगर अभी हम सबको मिलाकर बोलेंगे क्या क्या पढ़ चुके, वॉन्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। देखो जैसे कि देखो ये वाला एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं अभी नंबरिंग कर देती हूँ, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया हमारा पांच कार्बन चेन, कंटिन्यूस पॉसिबल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। पांच के लिए नाम क्या आ जाएगा? पेंट। ये हो गया हमारा वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो पांच वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पर नेचर ऑफ कार्बन चेन डबल बॉन्ड आ गया टू ई एन ई, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या, सेकेंडरी सफिक्स, वन में आ गया ये वाला एसिड का ग्रुप ओइक एसिड, वन ओइक एसिड, ठीक है, हो गया। अभी ये जो क्लोरीन एटम है ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कितना नंबर में है? चार। तो हम क्या बोले, प्रीफिक्स का मतलब वर्ड रूट के पहले आएगा, फोर क्लोरो, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया हमारा वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। सब ठीक है या कुछ गलत हुआ? गलती है क्या? देखो ये ओइक एसिड में बोल चुकी थी, अगर फंक्शनल ग्रुप आवेश से शुरू होगा तो ई को हम रिप्लेस करेंगे, अभी जाकर ये वाला नाम हमारा ठीक हुआ। तो मतलब कैसे स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अभी नाम को समझ में आया कैसे कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह के आप नोमेनक्लेचर सिंपली मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे।